सभागार में उपस्थित विद्वत जनों एवं प्रिय छात्रों, यह जो आपने कहानी देखी कफन, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि यह कहानी जो है अपने आप में औपन्यासिक परिदृश्य समेटे हुए है। एक ऐसी कहानी जो मुश्किल से 3 या 4 पन्नों में लिखी गई, लेकिन इन 3-4 पन्नों में जीवन का जो एक मर्म होता है उसको उद्घाटित करने का इस कहानी ने कार्य किया। इसीलिए इस कहानी को कहा जाता है कि यह कहानी अपने आप में औपन्यासिक परिदृश्य को समेटे हुए। भारतीय ग्रामीण अंचल में जो एक तिहरा शोषण चक्र व्याप्त था, उससे कहीं न कहीं मुंशी प्रेमचंद के मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। और आपको पता होगा जब वो 31 जुलाई को हम उनका जन्मदिवस मनाते हैं, और वो जो गांव है वो बनारस से कुछ ही दूर पर है, लमही नामक ग्राम, और कहा जाता है कि उसी के अगल बगल के परिदृश्य को उन्होंने समेटा। और पहला जो उनका उपन्यास आया बाजारे हुस्न के नाम से, और फिर उसके बाद उसको उन्होंने हिंदी में परिवर्तित किया सेवा सदन के रूप में, तो कई उपन्यास जो उन्होंने लिखे कई पन्नों के लिखे, लेकिन बात वही इस कहानी में उभर कर सामने आई जो कहीं ना कहीं गोदान में भी देखने को मिलती है। गोदान में हम देखते हैं कि 2 समानांतर कथाएं चलती हैं। एक कथा है जो ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है, और एक कथा है जो शहरी जीवन से जुड़ी हुई है। अब हम यहाँ पे 2 चरित्रों को देखते हैं, एक घीसू है और एक माधव है। आखिर उनकी अमानवीयता के पीछे क्या कारण है कि वह इतने अमानवीय हो गए कि घर में एक महिला पछाड़ खा करके दर्द के मारे रो रही है और कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। तो आपने ये जो कहानी चलचित्र के माध्यम से देखी, वो कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव डालेगी। और साथ ही साथ मानव क्यों अमानवीय होता है, उसके पीछे के कारण को समझना भी एक बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसे ही अमानवीय नहीं होता, कई सारे कारण होते हैं जिन कारण के वशीभूत होकर वह अमानवीय होता है। तो और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब अंतिम समय में वो जलोदर से मुंशी प्रेमचंद जी, जलोदर नाम की बीमारी उनको हो गई थी, तो उन्होंने एक अपने मरने के पहले एक पंक्ति उन्होंने कही थी कि अब तो चलते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। प्रिय कलीग और प्यारे छात्र, ये मेरा विषय तो है नहीं, आना ही लगा, मुझे पता नहीं ये प्रस्ताव आया तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं कैसे उपयुक्त हो सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि अचानक एक प्रेमचंद के नदीम दामाद कहते हैं, उनसे मेरा बड़ा ही अनन्य संबंध रहा है, मतलब मेरे गुरु रहे या जो भी हों, उनका डॉक्टर देहात राय थे, जूलॉजी के थे, वैसे फिशरी में थे और बाद में ICAR के वो DDG होकर रिटायर किए, पिछले साल उनका देहावसान हुआ है। और बड़ा बेटा बेटा कहकर सारी चीज़ बताना और एक एक कहानी कहना और बड़े चाव से सुनना भी उनकी आदत थी, अपने और सब चीज़ प्रेमचंद जी के बारे में और उनके पुत्र अमृत राय जी के बारे में कहा करते थे। तुम्हें पता है ये है ऐसे है, कोई गांव का कहानी पूछे और कहे कि उन्होंने ऐसे लिखा है, तो एक वो। दूसरे 2 इस प्रेमचंद्र में अथॉरिटी हैं, एक प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह बिहार विश्वविद्यालय से रिटायर किए हिंदी में, और एक हैं कमल किशोर गोयनका दिल्ली में, बड़े ही बड़े हस्ती हैं, प्रेमचंद में ही सारा जीवन उन्होंने शोध कार्य किया, और बहुत लोग हस्ती होंगे लेकिन इन दोनों से मेरा पारिवारिक संबंध रहा। कमल किशोर गोयनका मेरे पड़ोसी थे दिल्ली में, और ये कहीं कहीं से मेरे बड़े करीबी हो जाते हैं। तो इसलिए
और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो प्रेमचंद का स्पष्ट कहूंगा हृदय खोल करके, यहाँ कोई साहित्यिक बातें पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं, मैं बिल्कुल कागज की देखी नहीं, आखन की लेखी या मन की लेखी कहूंगा कि प्रेमचंद एक बार कोई चर्चा चल रहा था, बहुत पुरानी बात है, तो एक गाना आप लोगों ने मूवी में सुना होगा फिल्म का, जब प्यार किया तो डरना क्या, सुनाया क्या सब ने, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छिप छिप के आए भरना का, जब प्यार किया तो डरना क्या, ये फिल्म का गाना जिसने लिखा वो प्रभावित था प्रेमचंद के कोटेशन से, जो प्रेमचंद कहते हैं अगर मांस खाते हो तो डरने की क्या बात नहीं, सामने आकर खाओ, अगर मांस खाते भी हो और सामने में कहते हो मांस खाना अच्छी बात नहीं है, छिपकर खाते हो तो ये धूर्तता है, कायरता है, इसे मैं नहीं समझता, ये प्रेमचंद की उक्ति है और इससे प्रभावित होकर वो गाना लिखा गया। तो कहां कहां इन्होंने कहां कहां प्रभाव डाला, इसका कारण ये भी नहीं था कि बड़ी बड़ी साहित्यिक बातें लिखा, भाषा बड़ा ही सहज सरल, और प्रारंभ किया उर्दू में लिखना प्रारंभ करना, और आज उनका जन्म का 136 साल और एक दिन हुआ है। अब 136 साल और एक दिन में क्या प्रेरणा मिला उनके जिंदगी से, ये बड़ा आवश्यक है, खासकर हम सब के लिए और हमारे छात्रों के लिए। उनके जिंदगी से सबसे बड़ी प्रेरणा जो मिलती है वो कठिन से कठिन परिश्रम में भी कार्यरत रहना, लिखना, कठिन से कठिन समय, उनके साथ बहुत कठिन समय जन्म से ही मिला, 6 वर्ष या 5 वर्ष की आयु में माता का देहावसान हो गया, 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई या 12 वर्ष की आयु में पिताजी को समस्या आई, गरीबी को झेलना पड़ा, एक बार तो उनको पढ़ने के लिए तंबाकू वाले से दोस्ती करना पड़ा, और तंबाकू के जो ढेर होता है उसके पीछे बैठकर उपन्यास पढ़ते थे, उपन्यास के दुकान पर जाकर के उपन्यास मांगकर उर्दू में पढ़ा करते थे, ये सब समस्याएं थी। जब उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ किया तो 5 रुपए का महीना, ये सब कहानी है, किताबों में है कि नहीं, लेकिन सुनी हुई मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से सच्ची होगा, 5 रुपए का महीना मिलता था, 3 रुपए का महीना परिवार को देना, 2 रुपए का महीना अपना चलाना, और विवशता इतनी थी कि शादी हो गई, शादी के बाद बहुत समस्याएं हुई, पहली जब शादी हुई तो जो उनकी पत्नी थी उनसे बहुत अधिक उम्र की थी, और देखने में भी कुछ वैसी थी जो इनको पहली बार जब देखा शादी के बाद तो घबरा गए, डर गए, और स्वभाव से भी पत्नी वैसी थी कि परिवार में इनके पिताजी और सबको डांटती फटकारती रहती थी, अंत में मेरे ख्याल से 1905 में छोड़ के चली गई इनका घर, भला बुरा कह के फिर दोबारा नहीं लौटी। अब यहाँ भी इस साहित्यकार का मनसा वचसा और कर्मणा की एक रूपता देखने को मिलती है कि जो ये नारी विधवा के बारे में लिखा, विधवा विवाह के बारे में लिखा, वो लिखा ही नहीं करके दिखाया, इन्होंने एक विधवा से शादी करी, और विधवा से शादी करने के बाद बड़े खुश हुए, और दोनों मिलकर इनके सारी लेखन की समस्याएं इनकी पत्नी करती थी, उसके बाद इन्होंने लिखा, मेरे ख्याल से 2-3 वर्ष के अंदर इन्होंने 12 कहानी 2 उपन्यास लिखा दूसरी शादी के बाद, यानी 1905 या 6 के बाद। अब सवाल है, लिखा तो बहुत, समस्याएं भी बहुत आए इनको, पहली समस्या इनको आया जो अर्थ का था, पढ़ने में समस्या आई, बहुत सारा पुस्तक जुटाया पढ़ने में तो पिता का मृत्यु हो गया, पिता के मृत्यु के बाद समस्या आई कहाँ से अर्थ आए, परिवार 5 लोगों का परिवार था, माता इनकी अपनी नहीं थी, सौतेली माँ थी, भी माता का भी देखना था, अब क्या किया जाए, सारा पुस्तक इन्होंने बेचने, कुछ पुस्तक बेचा, सारा पुस्तक बेचने के लिए ये गए एक बुक सेलर के यहाँ बनारस में ही किताब की दुकान के यहाँ, वहाँ कोई स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने देखा इनको, पूछा, कुछ बातें किया तो किताब बेचना बंद करा दिया, कुछ आर्थिक सहायता करके उनको अपने स्कूल में अध्यापक के रूप में रख लिया, वहाँ से इनका गुजारा हो गया, पुस्तकें बच गए,
लेखन कार्य फिर प्रारंभ किया। बाद में अच्छी नौकरी भी मिली, डिप्टी इंस्पेक्टर भी हुए और बनारस के बाद कानपुर गए, गोरखपुर गए, बस्ती गए, फिर लौट के आए। लेकिन वो जो प्रारंभ काल था जहाँ से एक निर्मायक भूमिका आपके क्रिएटिविटी या निर्मा जो आपके पास क्रिएटिविटी है, जो लेखन क्षमता है या सोचने की क्षमता है, वो परिस्थिति बड़ा ही विकट रहा। लेकिन 56 वर्ष की आयु में देहावसान भी हो गया, मात्र 56 वर्ष की आयु में चले गए। ठीक है, 1936 में 8 अगस्त को देहावसान हुआ। लेकिन तब भी 13 वर्ष के आयु में जो व्यक्ति लिखना प्रारंभ करता है वो 56 वर्ष तक लिखता रहा, अंत तक मरते दम तक लिखता रहा। मंगलसूत्र उनका अंतिम नहीं पूरा हुआ, अंतिम उपन्यास पूरा नहीं हुआ, चले गए। वहां भी बड़ी बात है, जैनेन्द्र जी को लिखा, कहते हैं कि ये नास्तिक थे, ये कहते थे मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता। जैनेन्द्र जी को बस मरने से 2 घंटा पहले कहते हैं कि अब तो मैं शायद जाने वाला हूँ, और हमारे आसपास लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि ईश्वर को याद करो, ईश्वर को याद करो, लेकिन मुझे जरूरत महसूस नहीं होता कि मैं इस वक्त उनको तकलीफ दूँ। ये उन्होंने जैनेन्द्र जी को कहा। लेकिन एक बड़ा ही विकास आया इनके लेखन क्षमता में, प्रारंभ किया एक आइडियलिज्म आदर्शवाद से, और अंतिम लेखन बड़ा ही परिपक्व यथार्थवाद रियलिज्म की ओर गया। और वो रियलिज्म का लेखन तरह तरह का, एक ही चीज नहीं, समाज को अपने इस आंखों से फिर नहीं, समाज को मन के आंखों से देखा, समाज के बुराइयों, हर तरह की बुराइयों को उजागर किया। कफन आपने देखा, बहुत कुछ हमें भी प्रेरणा मिली, क्या समाज में बुराई थी और क्यों हुआ। इसके पहले और कई समाज में बीमारी, सबसे अधिक महिलाओं की दशा और दुर्दशा पर इन्होंने चित्रण किया, कहानी से भी, उपन्यास से भी, चाहे वो कफन हो, चाहे सती हो, जो भी हो, उर्मिला हो, महिलाओं के दुर्दशा के बाद विधवा पर में किया। उसके बाद समाज में जो छोटे तबके के थे, शोषित या दलित कहे थे, उनके बारे में इनकी सहानुभूति थी। ये कहा करते थे धर्म क्या है, तो मेरा धर्म तो मानवतावाद है, मानव धर्म, मानव धर्म को माना, मानना, मानवतावाद को मानना, और एक साथ सब पर कबीर के जैसे सभी पर कुछ कह जाना। उत्सव के बारे में, उत्सव हम मनाते हैं, इन्होंने लिखा उत्सव बनाने से अगर मित्रता नहीं आए, अगर परस्पर कठोरता हो, लड़ाइयाँ हो, तो उत्सव मनाना बंद कर देना चाहिए। ये सब इनकी उक्ति। इसके बाद इतना ही नहीं, लिखते लिखते ये यहाँ तक पहुँचते हैं, जो प्रारंभ किया आदर्श इतिहास इनका, अगर कोई साहित्य का छात्र तो नहीं होंगे शायद, लेकिन कोई हो तो इनके इतिहास दृष्टि पर शोध नहीं हुआ है। ये कई सारा पुस्तक ऐतिहासिक लिखा, इतिहास की अच्छी जानकारी थी इनको, लेकिन एकमात्र शोध थोड़ा सा हुआ है प्रेमचंद की इतिहास दृष्टि, लेकिन ऐतिहासिक चीज़ों पर काम नहीं हुआ। सामाजिक परिदृश्य, महिला का परिदृश्य, गांधी और सर्वधर्म संभाव का परिवेश, ये सब चीज़ें हमने लिया। अभी भी इनके रचना में शोध बहुत बाकी है। अल्पायु 56 वर्ष, यानी आयु में अल्पायु, लेकिन आलोक में अपूर्व, पर ही आलोक में 300 कहानियां लिखी, 3 नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, कौन इतना लिखता है। और वो उस समय जब थोड़े ही दिन पहले किशोरीलाल गोस्वामी ने हिंदी साहित्य की पहली कहानी लिखा था इंदुमती, और वो भी कहते हैं इंदुमती छायानुवाद था, मूल कहानी नहीं था। और उस परिस्थिति में लेखन कार्य प्रारंभ करना, और एक विकट परिस्थिति और था, अंग्रेजों से बचना, जेल जाने से बचना। कभी सोचा आपने, अभी हमारा एक प्रिय छात्र ने कहा था धनपत राय का नाम था, तो धनपत राय से कैसे हो गए प्रेमचंद? धनपत राय के बाद लिखना प्रारंभ किया नवाब राय के नाम पर, नवाब राय के नाम पर लिखा तो एक बार नहीं रहा गया, तो खुल के 5 कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया, सोजे वतन। फिर लोगों ने पकड़ना शुरू किया, लोगों ने खोजना शुरू किया, अब क्या किया जाए। पुस्तक को जलाया गया इनको, इनके सामने में इनको बुला करके, वहां का जो ऑफिसर था
उसके बाद लिखना बंद कर दिया, आप लिखोगे तो जेल जाओगे, अब क्या किया जाए। तो निगम जी है कि इनके बड़े करीबी होते थे, जो शुरू में प्रकाशन में हेल्प किया, उन्होंने सहायता दिया, तो इन्होंने लिखा, इन्होंने नाम बदल दिया, नवाब राय से हो गए प्रेमचंद, उन्होंने ही नाम दिया था प्रेमचंद, फिर प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। और अंतिम दम तक जितना भी हम पढ़ते हैं इसके बाद, मरने के बाद इनकी बहुत वैचारिक निबंध प्रेमचंद के विचार होकर के प्रकाशित हुआ, जो बहुत बाद मरने के 10-12 साल के बाद अमृत राय जी इनके पुत्र इनके डायरी से पुराने कॉपी से खोजते गए और प्रकाशित करे गए, कराते गए निबंध। और बड़े सहज एक साहित्यकार को कहा गया है मसीह जी भी, मतलब 10 रुपये मिलता है तो 20 रुपये खर्च करना सोचता है। ऐसे व्यक्ति एक बार शीत ठंडा का मौसम था, इनका तो प्रकाशन अपना प्रेस हो गया था, तो 40 रुपये मिला इनको। अब 40 रुपये कैसे खर्च करें, पत्नी ने इनको 40 रुपये दी किसी से लेकर के, पत्नी ही करती थी वो, दूसरी पत्नी, तो कैसे करें। तो इन्होंने 40 रुपये इनको दिया कि बहुत ठंडा है तो इसीलिए इनको कुछ गर्म कपड़ा खरीदेंगे, ये 40 रुपये मजदूरों में, मिल के मजदूरों में बांट दिया। पत्नी बहुत क्रोधित हुई, बोली ये क्या है। तब ये कहते हैं कि ये अच्छा नहीं लगता कि 40 रुपये में हम गर्म सूट पहन के चलते और मजदूर को कुछ नहीं होता, इसलिए ये अच्छी बात नहीं थी, मैंने उनको दे दिया। और फिर ठंड में ठंड ऐसे ही रह गए। तो इस प्रकार का मानवतावाद, जो हमेशा मानवता को देखा, हर व्यक्ति के लिए देखा, मसीह जी भी साहित्यकार, और उससे हमें क्या सीख मिलती है, और वो सीख हम लेकर जाए आज के दिन, तो बड़ा अच्छा होगा। क्या आप लोगों को लगा कुछ हमें सीख मिलती है उनसे? हाँ, बहुत कुछ, कुछ बता दे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ठीक, बहुत बढ़िया मिला कि अगर हम अपने आसपास के समाज को देखें, वातावरण परिवेश को देखें, तो अपनी जो आवश्यकता से थोड़ा निकाल दें तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसके साथ दूसरी सीख, या जो सबसे पहला मुझे लगता है सीख मिलती है, वो कि विकट परिस्थिति में भी, कठिन से कठिन समय में भी, कंटक युक्त मार्ग में भी हमें लक्ष्य को याद रखना चाहिए। हमें इसी उन्होंने लिखना प्रारंभ रखा, लिखता रहा, 13 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ किया, थोड़े ही दिनों में अच्छे साहित्यकार के रूप में हो गए। 1936 में आपको 8 अगस्त को इनका देहावसान हुआ। अब 1936 देहावसान, मृत्यु तक आपने देखा है कि अधूरा उपन्यास लिखा, उसके बाद कहानियां लिखी, और बहुत सारे लेख और विचार ये डायरी में लिखते रहे, जो मरणोपरांत प्रकाशित कराया इनका पुत्र। और कुछ लोग तो कहते हैं मरणोपरांत बहुत छूट गया, क्योंकि वो कहते थे, इनको उनके घर के लोग सब बाबूजी कहते थे, वही डॉक्टर देहाद राय कहते थे कि बाबूजी का बहुत चीज है उनके राइटिंग में, अगर हम रिटायर करके बैठेंगे तो हम उस सबको देखेंगे और कुछ करें, ऐसे ही बोलते थे। लेकिन वो देहा उनका स्वर्गवास हो गए पिछले ही वर्ष। तो इसलिए प्रेमचंद के इतिहास दृष्टि पर काम नहीं हुआ है, जबकि प्रेमचंद के प्रारंभ ही किया था, जब आइडियलिज्म था तो 2-3 ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है जो इतिहास से लिया गया है। नाटक ऐतिहासिक भी है, रंगभूमि तो सुना ही होगा, कहानी उस समय कहानी में जो भी हो रहा था वो नया प्रयोग हो रहा था। हम लोग पढ़ के तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिना पढ़े जब कुछ नहीं है तब नया प्रयोग करके स्थापित करना बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन वो ऐसा स्थापित किया, आज भी नमक का दरोगा कफन सबको पता है, चाहे वो किसी भी विषय का हो। और ये कई विधाओं पर अधिकार प्राप्त, कहानी लिखना है, उपन्यास लिखना है, नाटक लिखना है, निबंध और विचार पर। प्रेमचंद के विचार करके कई चीजें प्रकाशित हुई, तो इसलिए हम आप सबसे बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनको याद किया। आज हम उनके जीवन से प्रेरणा लें
और आगे हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने रचनात्मकता को उभारें, अपने आसपास के सामाजिक परिस्थिति परिवेश में जो भी हो रहा है वो कुछ न कुछ हमें वस्तु दे रहा है। साहित्य के दो चीजें होते हैं, वस्तु और शिल्प। शिल्प तो आप लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे लिखे, लेकिन आसपास से वस्तु लेकर कंटेंट लेकर के आप अगर लिखना प्रारंभ करते हैं तो बहुत चीजें होगी जो आज नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल अस्मरणीय होगी और उनके समय तक हो सकता है ये चीजें नहीं हो जो हम आप देखते हैं। जैसे हो सकता है बहुत लोगों को ये नया लगता हो, लेकिन गांव में हमने देखा है बचपन में गांव में यही दृश्य था। आ गया, ताड़ी पीकर आ रहा है, घर में लड़ाइयां हो रही है, कुछ और बोल रहा है, ये सारा चीज होता था, ये सब दृश्य था गांव में। और बिल्कुल गांव को, समाज को, उनके कुरीतियां को, उनके अच्छाइयों को भी प्रेमचंद ने मन के आंखों से देखा है और अपने लेखनी से बिल्कुल वैसे ही उतार दिया है, कोई उसमें शिल्पात्मक जादू नहीं दिया, ताकि लोगों के दिल में, लोगों के हृदय में सुगमता से आ जाए। और यही रहा, और अब तक जो कहानी के क्षेत्र में उपन्यास तो पहले से था, कहानी भी पहले से था, लेकिन जो इन्होंने नया नया प्रयोग किया वो प्रयोग चलता रहा। 1930 के बाद कई सारे नई चीजें हुआ, और इतने नहीं, समाज को इस तरह से देखा, साहित्य को इस दृष्टि दी। 1930 में इन्होंने प्रगतिशील साहित्य संघ, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी कर दी। अब प्रगतिशील लेखक संघ, प्रोग्रेसिव राइटर्स अभी तक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। दिल्ली में कई बार शवानाज भी वगैरह उसमें आया करते थे, भीष्म शाहनी वगैरह आया करते थे, अब तो भीष्म शाहनी भी नहीं रहे, तो इस तरह से चलता रहा। तो इसीलिए हम आप सबको यही कहते हैं कि प्रेमचंद के जीवन से प्रेरणा लें, और प्रेरणा लेते हुए अपनी लेखनी को या जहाँ भी है विकट परिस्थिति में भी परिस्थितियों से, समस्याओं से जूझना सीखें और आगे बढ़ते रहें धैर्य के साथ। यही हमारी कामना है आप सब।